एंड वेलकम टू आपका देसी चैनल। आज है सैटरडे और हम फिर आप पहुंचे हैं एक नया इवेंट कवर करने जो कि है जर्मन बैंक्वेट्स में। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये इवेंट है स्पार्कल्स, एक एग्जीबिशन है जहाँ पे हमें तरह तरह के चीजों को एग्जीबिट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लोदिंग, एक्सेसरीज, ज्वेलरी, चॉकलेट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट दे हैव टू एग्जीबिट बिफोर अस। हम लोग दिया जलाते ही अंजू जी आ जाइए। देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉल्स किन किन चीजों की है और हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं यहाँ खरीदने के लिए।
एग्जीबिशन में यहाँ पे सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी के आइटम नहीं, खाने की चीजें भी हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारे पास यहाँ खाने का क्या है। काफी सारी चीजें खाने के लिए और मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आना शुरू। तो अब मैं आपको ले आई हूँ कपड़ों के स्टॉल में। काफी सारे कपड़े लटके हैं यहाँ पे। तो मैम, कैन यू प्लीज टेल अस कि आपका स्टॉल किस चीज का है? Yeah, this is all about my clothing range, completely customized, and we do hand embroidery also. Did you hand embroidery? Kafi nayi cheez hai ye to. To show that everything over here is customized fully. आप देख सकते हैं कितना सुंदर डिजाइन है और हाथ से बनाना काफी मुश्किल होता है। Materials used are all pure. Materials are also pure. We use pure silk, pure chanderi. Pure cotton, all pure materials. So, ma'am, range kya hai? Matlab itna this specific piece or in pure silk, it is 4,000. 4,000. Itni embroidery karne ke baad bhi kafi rangeable hai. And then for the festive collection, we have made a lot of. This is a two-piece chanderi, very comfortable wear, and this comes in a range of 4,000. This is also. दिवाली और दुर्गा पूजा जैसे फेस्टिवल्स के लिए आई बिलीव कि ये सारे कपड़े काफी अच्छे होने चाहिए। मैम, आपकी शॉप कहाँ है? माई वर्कशॉप इज इन टॉलीगंज। ओके, तो जिनको भी शॉपिंग करनी और फेस्टिवल के लिए कपड़े खरीदने हैं उन्हें जरूर विजिट करना चाहिए मैम का स्टॉल। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पे ज्वेलरी आइटम्स मैम के पास क्या क्या है। मैम, आपके पास क्या क्या वैरायटीज है? आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी माइथोलॉजिकल तरीके की ज्वेलरीज, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज आपको देखने को मिलेगी। काफी रीजनेबल प्राइस है, बाहर तो ये सब इतने इजीली मिलते हैं ना कम रेंज में। और क्या ये सब आपने खुद बनाए हैं? बनाया, हम सब खुद बनाता है। हैंडमेड है, काफी सुंदर है, आपको जरूर खरीदना चाहिए इनसे। मैम, थैंक यू सो मच। कांच है, प्लास्टिक है, आप टच करके देख सकते हैं। जनरली लोगों को डाउट होता है तो वो ना ऐसे ही टच करके देखते हैं कि वो कलर तो नहीं निकल रहा। और आपको एक और बात बताऊं, जैसे कि हम लोग ग्रुप ऑफ लेडीज़ हैं, वी वर्क फ्रॉम होम, हम घर से काम करते हैं। और हमारे जो ग्रुप में जो लेडीज़ हैं उसमें डोमेस्टिक सर्वेंट की जैसे डॉटर है, किसी की ड्राइवर की वाइफ है, तो वी एंकरेज कि जो कम बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनमें अगर कला है तो उनको भी हमने अपने साथ अपने ग्रुप में शामिल किया हुआ है। और वैसे तो आई एम अ डांसर, मैं क्लासिकल और फोक डांस में करती हूँ, अभी भी टच में हूँ, लेकिन फौजी से शादी हुई है। जी हाँ, मेरे हस्बैंड फौजी हैं, तो हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है, तो लेकिन डांस तो सब जगह मैं नहीं कंटिन्यू। हाँ, तो कई तो मैंने एक कलाकार होने के नाते ज्वेलरी भी तो एक कला ही है, तो मैंने अपने आप को उसमें स्विच किया। और आप जैसे देख सकते हैं तो हम अपना जो एग्जिबिट करते हैं, एक डिज़ाइन का एक ही पीस आपको मिलेगा, इसमें आपको दो नहीं मिलेंगे। तो दीज आर ऑल डिज़ाइनर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई स्टॉल। मैम, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मतलब जनरली हम देखते हैं कि हमारी जो इंडिया की लेडीज़ है वो कैसे अपने घर परिवार में एकदम बंद सी जाती है, बट यू आर एन इंस्पिरेशन मैम, आई मस्ट से। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू गाइज कि आप ज़रूर परचेज करें, क्योंकि ऐसी वैराइटीज़ और ऐसी खासियत आपको हर जगह नहीं मिलेगी। थैंक यू मैम, एंड ऑल द बेस्ट। लेकर आई हूँ एक काफी अनकॉमन से स्टॉल में, मतलब परफ्यूम।
मेल वर्शन से मतलब मेल वेरिएंट से फीमेल वेरिएंट से। मेल वेरिएंट्स में हमारे पास 5 टाइप्स का वेरिएंट्स है और फीमेल में आपका 6 टाइप्स का वेरिएंट्स है। इसको छोड़ के भी हमारे पास फ्रेशनर्स भी हैं 4 वेरिएंट्स का। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है मैम के पास। और मैम रेंज क्या है, मतलब रेंज हम लोग का 140 से स्टार्टिंग करके 310 तक है। काफ़ी रीजनेबल है, मतलब इतने कम में तो मिलता ही नहीं है कई बार, वो भी इतनी वैरायटी। ये एक्चुअली हैंडक्राफ्टेड है तो हम लोग खुद बनाते हैं तो इसलिए आपका प्राइस भी, और ये एग्जीबिशंस है तो इसमें थोड़ा प्राइस रीजनेबल रखना ही पड़ता है। तो आप जरूर परचेज करिएगा। मैम का ब्रांड का नाम यू कैन सी ओवर देयर एंड काफी रीजनेबल है, काफी चीप है, तो आप जरूर खरीदिएगा। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। फाइनली मैं आ पहुंची हूँ यहाँ स्टॉल पे जहाँ पे दिवाली के लिए आपको डेकोरेशन के लिए जो सामान चाहिए वो मिल सकते हैं। तो मैम आपके पास क्या क्या है यहाँ पे दिवाली के लिए? दिवाली के लिए हर सॉर्ट ऑफ अल्पना है, रंगोली है, हैंगिंग्स है, कैंडल्स है, सब हैंडमेड। तो काफी सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। तो रेंज क्या है इन सबका? सब हैंडमेड है, 700-350 जितना ज्यादा। काफी वैरायटीज दिख रही है मुझे तो यहाँ पे, और कुछ चॉकलेट्स भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। क्या चॉकलेट्स का क्या प्राइस है? सब हैंडमेड है। सॉरी मैम, तो यहाँ पे चॉकलेट्स मुझे दिखाई दे रही है मैम, क्या ये सब हैंडमेड है? हैंडमेड है ये सब। ओके, और प्राइस क्या है इन सब का? 10-12-15 इसमें। काफी रीजनेबल है, मुझे तो लगता है आप सबको बहुत जल्द से जल्द इनसे कांटेक्ट करना चाहिए। मैम आपका स्टॉल या फिर आपका बिजनेस कहाँ पे? आप घर से बनाती है? हाँ हाँ, हैंडमेड है, घर से बनाती हूँ। मेरा पेज है केक्स कैफे और मैं बागोहटी में रहती हूँ, ये सब घर में ही हम बनाते हैं। तो कोलकाता के पीपल नोट द नेम केक्स कैफे एंड प्लीज कॉन्टेक्ट हर फॉर दीज डिलीशियस चॉकलेट्स। Thank you, ma'am. बताना चाहेंगे इस गेम के बारे में, क्या है ये गेम? ये 7 up and 7 down है। अगर आप जीत गए तो आपको डबल मनी मिलेगा एंड कुबेर का खजाना भी एक गेम और है जिसमें आपको 100 rupees में कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर मिलेगा। काफी अनोखी चीज है, शायद लोगों को अगर परचेज नहीं करना चाहते लोग तो ये तरीका बहुत अच्छा है लेने का। आई थिंक ऑल राइट, सबको पसंद आता है ये, छोटे बड़े सभी तरह सब इंसान इसमें खेल सकते हैं आराम से। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट आपके स्टॉल के लिए। थैंक यू। तो आइए अब चलते हैं फूड कॉर्नर में। एग्जीबिशन में फूड कॉर्नर होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना लोगों की हालत खराब हो जाती है भूख के मारे। तो मैम आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं खाने के लिए? मैं मुंबई बिहार का लिट्टी, लोग नहीं पसंद करते जिनको, उनके लिए फ्रूट्स। पूरा इंडिया समा दिया मैम ने तो हमारे, पूरे चाय बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और काफी टेस्टी लग रहा है यहाँ पे तो, सब कुछ खाने में भी देखने में भी। चलते हैं बैग्स के स्टॉल में। मैम आपके स्टॉल में क्या क्या है यहाँ पे? मेरे पास ये छोटा फोन पाउच है और स्लिंग बैग है और ये हैंड कम स्लिंग बैग है और ये जो ब्राइडल जो क्लच बैग प्लास्टिक क्लच जो होता है वो भी है, इधर है पू लेदर है और ये सभी है और स्टोन वाला है, मार्बल क्लच है। और रेंज पास 140 से 1200 तक है। ऑल द बेस्ट, आपका स्टाइल अच्छे से चले। थैंक यू सो मच।
तो अब मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ पे जो है स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के स्टॉल। मैम आप क्या बताना चाहेंगे आपके स्टॉल के बारे में, आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या है और किस लिए है? हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट है। बेसिकली इस ये कैसे अलग है मार्केट से वो मैं पहले बता दूँ। हम यहाँ सोप वगैरह सब कुछ कवर करते हैं, तो हमारा जो है वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडमेड है। हम किसी प्रकार का मशीन वगैरह कुछ यूज नहीं करते हैं, तो आप समझ रहे हो कि हैंडमेड जो होता है विद स्पेशल केयर कस्टमाइज करके हर कस्टमर के नीड के अनुसार बनाया जाता है। सेकेंडली इसमें हम कोई हार्श केमिकल नहीं देते हैं, ये पूरा आयुर्वेदिक फॉर्मूला में हर्बल बेस पे बनता है। सो इट्स प्रिजर्वेटिव भी अगर हम यूज करते हैं तो वो हम नेचुरल प्रिजर्वेटिव रखते हैं। तो ये क्या है, वही दादी माँ के नुस्खे वाला जो आज की डेट में हम बहुत मिस करते हैं। सो यू कैन हैव अ फ्लेवर ऑफ दैट। ये बेबीज के लिए जितना सेफ है उतना ही, अगर आपका बहुत सेंसिटिव स्किन है, आप सालों से ट्रीटमेंट करा रहे हो, आपको कोई कुछ सूट नहीं करता है, गो अहेड एंड ट्राई दिस आउट। हमारा फेसबुक में भी पेज है ब्यूटी जोन करके, तो उसमें हमारे जितने भी हैंडमेड हर्बल प्रोडक्ट्स हैं हमने उसका भी डिटेल्स डाल रखा है। इसके अलावा हमारा पार्लर है नागतला में, उसके भी रेट चार्ट्स आपको मिल जाएंगे सर पार्लर सर्विसेज के। तो वहां जाके आपको कस्टमर रिव्यूज भी देखने को मिलेंगे, हाउ हैप्पी दे आर कि उन्होंने सालों से कुछ ट्राई किया एंड दे डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट्स ट्राइंग सो मच यू एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। इवन मेडिकल भी उन्होंने ट्राई किया, मतलब डॉक्टर्स वगैरह दिखाए, दे डिडंट गेट एनी रेमेडी, उसके बाद ये यूज करके कैसे दे वर बेनिफिट इन। सो मैं सबको बोलूंगा हमारा जो रेंज है पूरा बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, इट्स अफोर्डेबल टू ऑल। हम जैसे मैं एक आप दिखा दूं तो आप लोगों को समझ आएगा, ये हैंडमेड सोप्स है, ये एंटी टैन सोप है, इट्स वेरी इजी टू यूज ऑल्सो, ये सिर्फ 100 रुपीज के हैं, ठीक है। सो बिल्कुल, और इसके अलावा आप लोगों को और भी वैरायटीज मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे फेस पैक आपको दिखेगा, ये शैम्पू बार्स हैं, ठीक है। शैम्पू बार, इंडिया में शैम्पू बार का कॉन्सेप्ट बहुत नया है, मैक्सिमम हम लिक्विड शैम्पूज देखते हैं, वाइज शैम्पू बार्स, शैम्पू बार्स क्या होता है ना, यूज करने में बहुत ईजी होती है। इसके अलावा मतलब शैम्पू बार में लेसर केमिकल्स होता है, जितना लिक्विड होता है उतना ज्यादा केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये दिस इज वेरी सेफ इजी एंड बेबीज भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं क्योंकि ये केमिकल फ्री है, तो उनके लिए सेफ है प्लस इजी टू यूज, मतलब ऑल एज ग्रुप के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। और एक प्रोडक्ट है जो थोड़ा अलग मैं दिखाऊंगी, ये हमारा ग्लो पाउडर, ये कंज्यूम करने के लिए है, तो ये खाली पेट में खाना पड़ता है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इससे क्या होता है, फिगर कंट्रोल रहता है, स्किन में ग्लो आता है, अगर हेयर इश्यूज भी हो, हेयर फॉल वगैरह उसमें भी हेल्प होती है। सो दिस ग्लो पाउडर को कस्टमर्स ने नाम दिया है, हमने नाम दिया था ग्लो पाउडर, कस्टमर्स ने नाम दिया है मैजिक पाउडर, ठीक है। सो इट्स इट गेट्स सोल्ड एज हॉट केक। सो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी इसको तो बिल्कुल ट्राई करें। इसके अलावा टोनर है, सीरम है, तो सीरम वगैरह जो है वो नाइट रिपेयर मोड में स्किन के लिए है, मतलब रात को लगा के सोना पड़ता है, एंड दीज आर वेरी लाइट टेक्सचर एंड ऑल पॉकेट फ्रेंडली सीरम। मार्केट में 400-500 के नीचे आता नहीं है, ये हमारा 250 का प्रोडक्ट है, ठीक है, ताकि सब कोई अफोर्ड कर सके। इसीलिए हम ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करते हैं कि पॉकेट फ्रेंडली हो, ठीक है, क्योंकि हमारे देसी चीज़ें इतनी हैं, इतनी अच्छी हमारी संपदा है वगैरह, वनस्पति वगैरह, तो आयुर्वेद में इतने गुण हैं कि अगर हम उसी को यूज़ करें तो फिर हमें मिरेकल्स रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि पुराने ज़माने में हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है, आज तो हमें सिर्फ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वो चीज़ तो चली गई है। यहाँ बहुत मेंशनिंग है, केमिकल बेस्ड जो होते हैं वो कुछ समय के लिए आपको फेयर दिखा सकते हैं, कुछ समय के लिए आपको अच्छा लग सकता है, बट लॉन्ग रन में आपके स्किन को डैमेज करता है, ड्राई करता है, क्रिंकल्स आते हैं, इस तरह के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। जबकि हमारे देसी चीजों में, देसी नुस्खों में और दादी माँ वाली वो जो बात है उसमें जो चीजें हैं वो मतलब बचपन, हाँ वो बचपन से लेकर आप बुढ़ापे तक यूज करो, आपको अच्छा ही मिलेगी, बुराई कुछ नहीं मिलेगी, बस एक ही है कि आपको डिसिप्लिन के साथ हाँ मेंटेन करके यूज करना है। ऑलराइट, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट और काफी सारी नई चीजें देखने को मिली, मुझे भी जानने को मिली, थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप कि आपका जो लॉन्ग रन में है चलता रहे, बहुत अच्छे से चले, थैंक यू। So now it's time that we meet some eminent persons jinki wajah se exhibition ho raha hai. So ma'am, can you please tell us your name? Arpita Chatterjee Bandyopadhyay. Aur ma'am, aap yahan pe as a kya kis tarike se judi hui hain? Brand ko represent kar rahi hu, mera brand ka naam hai Rai Kamal. Mera ye boutique I do deal with sarees, all kind of sarees,
फ्रॉम डिजाइनर टू पार्टी वेयर एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो माय बुटीक इज 2 years old. तो 2 years old इट्स बेसिकली मोस्टली ऑनलाइन. तो 2 years आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो यू कैन फाइंड माई नेम ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पे मैं एसोसिएटेड हूँ कि मेरे बहुत खास दोस्त है मामला बैनर्जी. शी इज अ मेंबर ऑफ दिस प्लेस एंड शी आस्क्ड मी दैट दिस इज दिस ग्रुप इज इन्वॉल्व विथ चैरिटेबल फंक्शन एंड एवरीथिंग. तो आई गॉट इंटरेस्टेड एंड इन्वॉल्व माई सेल्फ. So now you are one of the board directors and ma'am your name is? My name is Zoe Chakraborty. And ma'am aap yahan pe bahut sare beautiful jewelries ka set laga ke rakhi hain, your piercings and everything, it's so beautiful. So aap apne store ke bare mein thoda hame bataiye. Actually ye sab trendy aur junk jewelry hai jo abhi latest trend mein hai, silver mein hai, gold mein hai, kundan mein hai. And ma'am aapke hisab se aapke sabse special kaun sa hai? मेरा जो सबसे ट्रेंडी है वो ये रिंग्स है, फैशन रिंग्स. दिस इज जोडियाक रिंग्स, एकदम इन है, फैशन में है. एंड मैम यहाँ पे जो आपका ज्वेलरी है उसका रेंज क्या रहेगा? रेंज 100 रुपीज से स्टार्ट है. दैट्स एक्चुअली वेरी चीप. सो अगर हमारे व्यूअर्स जो है अगर आपको ये पसंद आ रहे तो मैम हम आपको कॉन्टेक्ट कैसे करें? मेरा फोन नंबर इधर है. एंड मैम आई हैव अ फेसबुक पेज, दैट्स ब्लिंग ब्लिंग. So if you want to get in touch with such beautiful jewelry, such fashionable rings, please contact your Facebook page. Bling. Bling. Thank you so much, ma'am. Yeah, and the phone number is over here. So please, if you want, you can have a look from our video. And also, if you want, you are further interested, you can go to your Facebook page, which is Bling. Bling. Thank you so much, ma'am, and all the best. School items, gift items, return items, बहुत सारे different items वगैरह हैं. जो बेसिकली ये आप लोग को मॉल से मिलता है, सेम काइंड ऑफ स्टेप्स गेट ओवर हियर इन अ चीप प्राइस वेयर यू कैन लाइक आपको बर्थडे में गिफ्ट्स मिलता है. सो एज अ रिटर्न गिफ्ट यू कैन प्रेजेंट हिम. सो बेसिकली ऑल दिस स्टफ्स आर देयर. एंड सो आउट ऑफ ऑल द स्टफ व्हिच यू थिंक इज द सिग्नेचर ऑफ योर शॉप, सिग्नेचर गिफ्ट? बचपन में लोग देखते हैं ना, बचपन को मिलता था वो स्लाइड ओवर गिफ्ट. सो ओवर हियर व्हाट यू हैव इज दिस, यू हैव अ पेन, इट्स लाइक एन आईपैड, यू कैन राइट एनीथिंग, जस्ट प्रेस दिस बटन एंड इट गोज. So this is something which I still haven't seen in the market. Yeah, this is something signature we have kept this time. And iska price sir? It's 300. 300, which is pretty cheap. So if you want, you guys can come over here. You can contact sir. You have this as well. Young age ko kya hoga na, bahut gussa aata. So lagta hai kisi ko pakad ke maare. So you can press this as much as you can. And the moment you leave, it will come back to its original original shape. So I guess I'll require that. Kyunki mera aggression bahut hai. You can smell it. That's pretty good smell. Yeah, it's a chocolate smell. Yeah, chocolate smell. Ice creams, watermelons and all the stuff you see. And sir, agar aap apne further exhibitions ke bare mein hamare viewers ko kuch batana chahe. We are planning next month maybe in ice skating and our Instagram page hai. It's Anvesha Den. So we can follow over there and get all these stuffs over there. They can buy online, we can deliver it there. Thank you so much, Thank sir. Thank you so much. तो अब हमारे साथ है ये स्पार्कल्स ऑर्गेनाइज जो की है उनकी प्रेसिडेंट. तो आइए उनसे कुछ पूछते हैं. तो सबसे पहले मैम आप हमें अपना नाम बताइए. लैंड प्रीति कपूर. एंड मैम ये जो स्पार्कल्स आपने एग्जीबिशन इतना अच्छा अरेंज किया है, यहाँ पे बहुत सारे लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स है, ड्रेसेस है, बहुत सारी ज्वेलरी गिफ्ट्स, तो इसका आप मोटिव क्या है, ऑर्गेनाइज करने का मोटिव क्या आपका? सबसे बड़ा ये एड ऑफ चैरिटी के लिए हम लोग कर रहे हैं. जो हमारा जो भी जितना फंड होगा वो सब हमारा जो है हम लोग चैरिटी में यूज़ करेंगे. सबको प्रोजेक्ट्स हमारे जो नए नए आएंगे जो आजकल हो रहे हैं उसके लिए हम लोग उसी के लिए हम लोग सब कर रहे हैं. मैम दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि बहुत सक्सेस जा रहा है आपका जो एग्जीबिशन है. तो आप फ्यूचर में, इन द कमिंग फ्यूचर, आर यू प्लानिंग समथिंग लाइक दिस, लाइक मोर एग्जीबिशंस? और एग्जीबिशन से जरूर करेंगे हम लोग, और उसके बाद भी हम लोगों का सबसे बड़ा है हम लोग फूड फॉर हंगर करते हैं. ये सब हमारा और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें थ्रू हम लोग ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग हाई स्कूल के बच्चों को सोच रहे हैं आगे बढ़ा के उनको किसी फील्ड में ले जाने का अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं. आगे हम लोग कुछ कर रहे हैं उन लोग के लिए. बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है मैम आपने. तो अगर कोई आपसे इसके बारे में कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? आपका कोई
फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज यानी सच थे रोशनी का पेज है हमारा रोशनी का पेज है रोशनी का पेज हमारा फेसबुक पे उसके थ्रू बोले दीजिए ओके ओके देन अगर यहाँ पे आपका जो दो दिन का सेटअप है उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए कि कहाँ कहाँ से आपको स्टॉल होल्डर्स मिले हैं या किन किन को आपने कांटेक्ट किया है वो सामने से आए ऐसे कुछ जो इंटरेक्शन है आपके इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं तो उन्होंने आपने उन्हें बुलाया है कि उन्होंने कुछ ने सामने से खुद अप्रोच प्रियाशा इन्होंने बहुत लोगों से कॉन्टेक्ट किया हमारी ये जो कन्वर है तो उनके थ्रू हम लोग ने गए हैं और बात किए हैं फोन से हम लोग ने कॉन्टेक्ट लिया है लोगों ने हमारे पास आए हम लोग ने फेसबुक में डाला है उसके थ्रू भी हमारे पास कॉन्टेक्ट आए उसके थ्रू हम लोग ने अरेंजमेंट किया है सर थैंक यू सो मच मैम फॉर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल स्पार्कल एग्जीबिशन तो देखने से ये बहुत अच्छा लग रहा है आई होप ये बहुत ज्यादा सक्सेस करेगा बिकॉज इट इज अ चैरिटी बेस्ड इवेंट सो मैम ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सो नाउ वी हैव वन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द लायंस क्लब जिन्होंने इस एग्जीबिशन को होस्ट करने में इस एग्जीबिशन को कन्वे करने में बहुत हेल्प किया तो मैम सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए मेरा नाम लायन प्रियाशा विश्वास है बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट और मैम आप लायंस क्लब से कब से एसोसिएटेड है 3 साल हो गए लायंस में जुड़े हुए हैं मैम लायंस क्लब एक तो स्पार्कल्स ऑर्गेनाइज किया है इसने बहुत अच्छा एग्जीबिशन है और भी कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता रोशनी से पहले पन जैसे पपेट यूनाइटेशन वो कर चुका है 2017 में वो किए थे अपने और ये एक्सक्लूसिव हमारा लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन फॉर प्री पूजा और दिवाली है मैम दैट इज स्पार्कल्स एंड इन दिसंबर वी आर कमिंग अप विद द विंटर कार्निवल So this fellowship and PR with fundraising so that we can do something with the society, we can serve with the fund which we get from these events. So we are going to use that for charity purpose. And ma'am, agar ye success hota hai Sparkles, so are we hoping for the next edition of Sparkles in the coming year? Yeah, surely. This will be a TM for us. So we'll be going with this name only because we got a very good response on Facebook and people are also coming and enjoying and happily shopping. So which is a very nice treasure for us. So yeah, we're hoping for the best. And now what is the next upcoming event which Lions Club would be organizing? It's in December, I told you, we are going to carnival, planning with some children somewhere. Thank you so much, Mom, for and all the best for all the future events which the Lions Club would be organizing. Thank you so much. Now we have one of the most eminent persons from Lions Club with us. अब सर के बारे में मैम हमें कुछ बताएंगी तो आप जो भी मुझे अभी बता रही थी सर के बारे में प्लीज हमारे व्यूअर्स को भी बताइए लायंस क्लब ऑफ रोशनी में आज हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आए हैं हमारे लिए बहुत खास दिन और मोमेंट है हमारे पवन जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3221 के वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं पवन जी पवन जी परसरामपुरिया जी और हमारे स्पार्कल्स जो अपने एग्जीबिशन अपने किए हैं प्री पूजा और दिवाली का है तो इसमें आप लोग आए हैं ऐसे भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है वो आ चुके हैं यहाँ पे और अब मौका है कि हम लोग उनको सुने और उनके दो बातों से हम लोग और मोटिवेटेड हुए और सर के अंडर 82 लायंस क्लब के सेक्टर्स भी हैं सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग तो सर आप लायंस क्लब से कब से जुड़े हुए लायंस क्लब से 1989 ईयर से हो गया मैं लायंस क्लब से जुड़ा हूँ उसके पहले लायंस यूथ की यूथ के हिसाब से एक क्लब है लियो क्लब तो 72 से जुड़ा हुआ हूँ 72 से मैं लियो करता था फिर 89 में मैंने लायंस किया और ये हर चीज़ हम जब सेवा का काम करते हैं हमारा मोटिव है हमारे टोटल मेंबरशिप ऑल इंटरनेशनल में 14,60,000 मेंबरशिप है और 210 कंट्री में हम लोग लायंस इंटरनेशनल है और रेटिंग जो हमारी है वर्ल्ड में फर्स्ट आप ये समझ लीजिए सर्विस एक्टिविटीज में और एनजीओ के हिसाब से लायंस इंटरनेशनल को हर बार रेटिंग होती है जैसे आप लोग भी रेटिंग करते हो लायंस इंटरनेशनल इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की इज द सर्विस इन व्यू ऑफ सर्विस और हमारे मेंबरशिप के हिसाब से हम पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट हैं
और आज ये है कि हर काम में, सेवा के काम में पैसा खर्चा होता है। मैं लायंस रोशनी को धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया देना चाहूँगा, ये फंड रेजिंग के हिसाब से आज का ये दो दिन का इन्होंने ये एग्जीबिशन रखा है, और इससे जो भी रुपया इनके पास आएंगे वो पूरे के पूरे सेवा के काम में लगेंगे। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है 322B1, उसमें हम लोग 4000 मेंबर हैं 82 क्लब में। हमारे 13 हॉस्पिटल है, 2 ब्लड बैंक है, 2 ब्लड बैंक है आपके, उसके बाद डायलिसिस यूनिट है और हर चीज़ है। हम लोग कम से कम हर साल 5 लाख लोगों को सेवा तक पहुंचते हैं। 5 लोग जो अंडर प्रिविलेज है, चाहे वो लड़कियों का स्कॉलरशिप हो, चाहे लोगों को खाना खिलाना हो, जो आज हमारे सबसे बड़ा विजन का है, जो आई ऑपरेशन है, कैटरेक्ट ऑपरेशन है, उसमें हम लोग पूरा साल में लगे रहते हैं। और आज भी ये हमारी 14% आदमी वर्ल्ड में भूखा सोते हैं, उनको हम लोग जितने भी फीड कर सकते हैं हम लोग चेष्टा करते हैं कि उन तक पहुँचे। और हर आदमी को सेवा के हिसाब से जो अंडर प्रिविलेज है उनको कुछ मिले, और उनका अगर हम 1% भी दुख बांट सकें तो हम अपने जो मकसद है उसमें हम अपने को धन्य समझेंगे। हम अभी सामने पूजा आ रही है, हम एक प्रोग्राम करते हैं उसमें नदिया, रानाघाट, हमारे सफारी पार्क, नंद कुटीर मिलाकर हम कम से कम 4000 बेनिफिशियरी को नया कपड़ा देते हैं। जो अंडर प्रिविलेज हैं उनको 4000 लोगों को मैं नया कपड़ा मैं अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन देती है कि जब हम पूजा के टाइम में नया कपड़ा पहनेंगे तो हम जितने जन को जो खरीद नहीं सकते उनके पास भी नया कपड़ा पहुँचे। तो ये सब लेकर हम लोग तत्पर रहते हैं, जो भी सेवा का काम जहाँ पर भी होता है हम लोग तत्पर रहते हैं कि हमारे मेंबर वहाँ पर जाकर जितनी सेवा हो और जितनी कर सकें, हम ये नहीं कहते कि हम सभी को वो कर लेंगे, जितनी भी हम कर सकें उसमें हम 1-2% भी भागी बने तो हम अपने आप को हमारी जो मकसद है उसमें पूरा होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कुछ कहा कि लायंस क्लब जो है हमारे जो कोलकाता में, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे लोगों को हेल्प करता है, दुर्गा पूजा में कपड़े बांटता है, आई ऑपरेशन एंड सो मेनी अदर चैरिटेबल थिंग्स दैट दे आर डूइंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, और आप ऐसे ही हमारे समाज की सेवा करते रहिए। और अगर आपको भी इनके साथ जुड़ना है तो सर वो कैसे जुड़ सकता है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारी मेंबरशिप इन्विटेशन के ऊपर है, आप कोई भी लायंस मेंबर को जानते हो उनसे बात कीजिए, हमारे जो उस क्लब में आप जरूर जुड़िए और सेवा का आप, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम सेवा करें, और जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो सेवा, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे मेंबर बढ़े, हमें जितनी हाथ मिलेंगे उतना सेवा हम अधिक कर सकेंगे। तो आप जो भी जिनको भी लायंस मेंबर को जानते हैं उनके साथ कंटेक्ट करके वो आपको अपने क्लब में ले जाएगा। जो भी है हमारी ऑनलाइन मेंबरशिप भी 33% है, और हम चाहते हैं हमारी ऑनलाइन मेंबर भी आज के युग में 50% हो। आज ऑनलाइन जितनी सेवा के काम कर सकती है, मैं बोलता हूँ कि उतना काम हम लोग को भी करने में बहुत टाइम लगेगी, लेकिन हम लोग भी चेष्टा करते हैं कि उतना, क्योंकि उनमें मनुष्यत्व की भावना रहती है, एक मन में सेवा की भावना रहती है हर औरत में। और ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप मीडिया करें और हमारे साथ कुछ मेंबर जुड़े, और हाथ जितने जुड़ेंगे उसमें मीडिया का भी हाथ रहेगा, और हम लोग जो करते हैं आप बताओगे तो मैं सोचता हूँ कि आज हमारी 4000 मेंबरशिप है वो बढ़कर 5000 हो जाएगी। मीडिया का साथ चाहिए, मीडिया को लोगों को बताना होगा कि थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, हम आशा करते हैं कि सर के साथ इन्होंने अभी जो इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर आप लायंस क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी लायंस क्लब के मेंबर्स को अप्रोच करें, वो आपको सारी डिटेल्स देंगे। मैं वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा एग्जीबिशन को आपने स्पार्कल्स के साथ जो इतना अच्छा एग्जीबिशन पुटअप किया है, एंड वी होप दैट नेक्स्ट ईयर वील बी बैक हियर, वील बैक ओवर हियर समवेयर एल्स विद द सेम एग्जीबिशन स्पार्कल्स चैप्टर 2। थैंक यू सो मच एवरीवन।